में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। राजस्थान को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में टिकटों पर चर्चा की गई। राजस्थान के कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सीईसी की बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में टिकटों की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इस बैठक में मंत्रणा और चिंतन की गई है कि कौन से वो दावेदार होंगे, वो जिताऊ चेहरे जिस पर पार्टी दाव लगाएगी, जिस पर भरोसा जताते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी उतरेगी और दोबारा से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकेगी। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, कई घंटों तक यहाँ पर चर्चा की गई। कुल 65 नाम बताए जा रहे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि फोकस युवाओं और महिलाओं पर इस बैठक में रखा गया है। सबसे ज्यादा टिकट युवा, महिला और इसके साथ साथ ओबीसी और एसटी से जो उम्मीदवार हैं उन्हें दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का चूंकि दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि महिलाओं पर बीजेपी इस बार भरोसा जता सकती है, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है। टिकट दावेदारों को लेकर लगातार बैठक कर ये चिंतन किया जा रहा है कि कौन से वो चेहरे हैं जो जिताऊ हो सकते हैं। उन्हीं चेहरों को चूंकि पार्टी टिकट देगी जो मैदान में उतरेंगे और पार्टी के लिए जीत हासिल कर सकेंगे। तो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और इसके साथ साथ तमाम दिग्गज चेहरे भी इस बैठक में मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। लखवीर सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, महामंथन खत्म हो गया है, क्या हुआ, क्या फैसला निकल कर सामने आया, कुछ बात बनी है क्या टिकट बंटवारे को लेकर? बिल्कुल प्रियंका, आपके सवाल का जवाब न केवल सिर्फ आप बल्कि पूरे राजस्थान वासी जानना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची को लेकर लगातार मंथन पिछले दो दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में था और आज चुनाव समिति की बैठक भी हो गई है। करीब 65 नामों पर इस पूरी बैठक में मंथन हुआ है। हालांकि ये पूरे नामों को लॉक कर दिया गया है। अब इसका ऐलान कब होगा इसका इंतजार है, क्योंकि 65 नामों की सूची पर आज मंथन होना था। 65 सीटों पर मंथन हो गया है। हालांकि पहले चुनाव समिति की बैठक से पहले करीब ये सूचना थी कि 48 से 50 सीटें ऐसी हैं जो सिंगल पैनल नाम है, मतलब वहां पर एक नाम के प्रत्याशी का सहमति बन चुकी है जिसका ऐलान हो जाएगा। जब चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई तो उन 15 से 17 सीटों पर फोकस किया गया जिसपे दो और तीन नामों के पैनल बनाए गए हैं, क्योंकि उन्हीं पर ज्यादा विवाद था। कई किसी सीट पर किसी एक नेता का वीटो था तो कहीं पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में चुनाव समिति की बैठक में उसको अंतिम रणनीति पर पहुंचाया गया, उसको अंतिम रूप दिया गया है कि जो 65 सीटों पर आज डिस्कशन हुआ है उसका ऐलान कब हो। अब देखने वाली बात यह है कि 65 नामों की सूची को लॉक कर दिया गया है, तमाम तरीके की सहमति बन गई है। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कब हो, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष की वजह से ऐलान शायद एक दो दिन में नहीं हो, ये इंतजार करना हो 14 अक्टूबर का। लेकिन ये अब तय हो गया है कि 65 नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फाइनल सूची को लॉक कर दिया है, और जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना है उनको आने वाले एक दो दिन में फोन करके सूचित कर दिया जाएगा कि वो अपनी तैयारी को और धार दें और हाँ। और मजबूती से तैयारी में जुट जाएं। बड़ी बात लखवीर आप बता रहे हैं कि 65 नामों को लॉक कर दिया गया। इस बैठक में फैसला ले लिया गया है कि कौन कौन से दावेदार होंगे जिन पर पार्टी भरोसा जताएगी। हालांकि अभी ऐलान करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।